जहां देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है और कोई इसके फैसले में तो कोई इसके खिलाफ अपना पक्ष रख रहा है, तो वहीं अब इसको लेकर एक्टर गोविंदा ने अपनी बेबाक राय रखी है। दरअसल गोविंदा मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे, यहाँ उन्होंने डांस किया, गाना गाया, साथ ही उन्होंने आईफा अवार्ड और सीए पर अपनी बात रखी। सीए के समर्थन में स्टार्स के आने को लेकर गोविंदा ने पहले तो प्रतिक्रिया देने से इनकार किया, लेकिन फिर कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं राजनीति छोड़ चुका हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो वैसा ही होगा, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इंदौर में हुए आईफा अवार्ड्स को लेकर गोविंदा ने कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और फिल्म लाइन दिल से निकली आवाज है जो पूरी दुनिया तक पहुंचती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये कामयाब हो, नर्मदा मैया का हमेशा आशीर्वाद रहा है। बताते चले कि इस कार्यक्रम में एक्टर गोविंदा को देखने करीब 2 लाख लोग आए थे। अगर गोविंदा के करियर की बात करें तो एक्टर की पिछली रिलीज रंगीला राजा थी जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इन दिनों गोविंदा के पास अच्छी और बड़े बैनर की फिल्में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।